राधे राधे दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ वृंदावन, वो भी पहली बार। तो सुबह उठ के सबसे पहले हमने अपना सारा सामान पैक किया। ऐसा कोई प्लान नहीं था, सडनली प्लान बना क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई थी और मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, और कोटा से वृंदावन 4-5 घंटे की दूरी होती है। तो हम चले गए स्टेशन पे और वहाँ जाके पता चला कि कोई ट्रेन ही नहीं है। तो हमने सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ट्रेन आने का वेट किया और स्टेशन पे बैठे बैठे बस बकवास करे जा रहे थे। तो आपने देख ही लिया होगा, हमने ऐसे ही टाइम पास किया, मजाक उड़ा के एक दूसरे का, और फिर इधर उधर करके बहुत मुश्किल से स्टेशन पे 4 बजे और फाइनली ट्रेन मिली। और जैसे कि हमारा रिजर्वेशन नहीं था तो हमें नॉर्मल एक जनरल बॉगी से ही जाना पड़ा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जनरल ट्रेन में जाने का नॉन एसी में। और ट्रस्ट मी गाइस, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत आता है। अभी तो ट्रेन पूरी खाली थी लेकिन बाद में फुल भर गया था, बिल्कुल मेट्रो वाला हाल हो गया था। और ये मेरी दोस्त नेहा जो कि स्नैप बनाई नहीं थक रही थी, बहुत ही सुंदर सा व्यू था जिसका इसने स्नैप बनाया, मैंने भी बनाया, और ऐसे ही करके हमने किसी तरह 5 घंटे काट लिए। बस कैसे तैसे करके मथुरा जंक्शन पहुंच गए और फिर जो खुशी, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्या बताऊँ मैं। एंड गाइस, सारा लगेज हम दोनों ने मिलके उठाया क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारा ही था और मम्मा को परेशान नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने सारा ट्रिप मेरे पे छोड़ दिया था कि तुम्हें जैसा सही लगे, अब तुम लोग बड़ी हो गई हो तो तुम लोग खुद से कर सकती हो। और हम पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन पहुँचते ही वहाँ की गलियाँ देखी, हर तरफ अलग ही रौनक छाई हुई थी। और ये बांके बिहारी जी की मंदिर वाली गली है और रात के 11 बजे भी इतनी ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, और बहुत कुछ लेने का मन था। फिर हमने कंट्रोल किया और अच्छा सा एक धर्मशाला ढूंढा नाइट स्टे के लिए जिसमें हमें 1-2 दिन रुकना था, और काफ़ी कम प्राइस में हमें ये मिल गया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इतना कम प्राइस में हमें पास में ही मंदिर के मिल गया। फिर हम बाहर गए डिनर करने के लिए और फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से ट्रैवल कर करके, तो हम सो गए। एंड फिर पहले दिन उठते ही हम रेडी होके गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और मेरे एक्साइटमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। मैं पहली बार वृंदावन की गलियों में आई थी, नेहा पहले आ चुकी थी क्योंकि उसका यहाँ पे नानी घर है, पर मैं और मम्मा, हमारा फर्स्ट टाइम था क्योंकि बिहार से मथुरा बहुत दूर पड़ता है, तो इस बार सही मौका था तो हम आ ही गए। हर तरफ राधे राधे की गूंज उठ रही थी, सब कोई कृष्ण की भक्ति में मगन थे। फिर हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए ये पेड़े लिए और गए हम बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पर हमने ये टीका भी लगवाया जो वहाँ पर लगाते हैं ना, उन्हीं से। एंड गाइज, हम तो एक नॉर्मल से दिन पे गए थे वहाँ पे, तो सोचो जब कोई त्यौहार आता होगा तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे। और इस भीड़ में भी एक अलग सा ही सुकून था जब मैंने पहली बार बांके बिहारी जी की दर्शन की, उनका वो मनमोहक सा दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने है और मैं सच में कभी नहीं भूल सकती। इतना ज़्यादा वहाँ जाके अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं एक कृष्ण भक्त हूँ और यहाँ पे सारे ही कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए थे। मैं और मेरी दोस्त हम लाइन में लगे हुए थे ताकि अंदर जाके पास से दर्शन कर पाए। एंड पास पे जाने में वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे चोरी वगैरह भी हो सकती है, इस वजह से फिर हमने फ़ोन अंदर रख लिया, लेकिन जितना हो सका मैंने उतना शूट किया। एंड फिर ऊपर जाके मैंने दर्शन किए एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से। और ये जो गलियाँ थी वृंदावन की, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कान्हा जी मेरे साथ में है हर तरफ। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकल पड़े कुछ खाने के लिए जस्ट जो सामने में ही आसपास में था, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो वहाँ बांके बिहारी जी के गली के बाहर में ही एक अच्छा सा वहाँ पे था शॉप, वहाँ पे हम गए और कचौरी वगैरह लिया, पानी पिया क्योंकि थक जाते इतना चल चल के, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और प्लीज़ आप बंदरों से सावधान रहिएगा, वो आपके चश्मे और फ़ोन लेके भाग जाते हैं। और इन पुराने घरों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम सालों पहले चले गए हों और इन्हीं गलियों से श्री कृष्ण गुजरा करते थे। फिर हम गए गोपी ड्रेस लेने के लिए क्योंकि यहाँ आए और गोपी ड्रेस नहीं पहन के घूमा तो क्या किया आपने। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं भी गोपियों जैसा ड्रेसअप करूँ, लेकिन आप जब भी आए तो प्लीज़ अच्छे से बार्गेन किया करिए क्योंकि ये शॉप वाले बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। जैसे कि पूरा स्टिच किया वो गोपी ड्रेस नहीं था, तो मैंने स्कर्ट दुपट्टा और टॉप अलग से लिया। वो टॉप ब्लाउज़ वाला आता है वो 250 का पड़ा, एंड देन जो स्कर्ट लिया मैंने वो 250 का था और दुपट्टा 100 में, मतलब 525 और 550 मैंने उसको पे किया था।
एंड ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये जस्ट निधिवन के पास में ही है, और यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल रेंज में स्कर्ट और वो भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ स्कर्ट मिल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि काश मैं यहाँ आके लेती और पहले नहीं लेती। और ये जो दीवार के पीछे झाड़ियाँ थी, मैंने गलती से इनको तुलसी का पेड़ बोल दिया है। फिर पंडित जी और मेरी फ्रेंड नेहा दोनों बहुत हंसने लगे कि नहीं बेटा ये तुलसी का पेड़ नहीं है, वो अंदर मिलेगा आपको। फिर हमने वहाँ पर अपना स्लीपर्स वगैरह जाके रख पाया सेफली से और अंदर गए निधिवन में। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है और इस वजह से ये पूरा दिया हुआ है बैम्बू से ताकि बंदर आपके सामान ना छीन के ले जाए। फिर भी वहाँ पे बंदर रहेंगे तो आप प्लीज़ अपना फ़ोन, चश्मा, सब कुछ अच्छे से बैग में रखिएगा क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है बंदर वाला। और जैसा कि निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हर एक तुलसी का पेड़ रात के वक्त गोपियों का रूप धारण कर लेता है और श्री कृष्ण और राधा स्वयं यहाँ पे आते हैं रासलीला करने, वो भी हर रात को गोपियों के साथ में। तो इसको देख के बहुत ज़्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी थी जानने की कि सच में ऐसा होता है या नहीं। फिर हम वहाँ से निकल के बाहर गए शॉपिंग करने के लिए, जिस दुकान के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉप मिलेंगे और एक अंदर में बहुत बड़ा सा मंदिर है, यहाँ पे आप अपना वीडियो शूट करा सकते हैं। वो जो आप अम्ब्रेला देख रहे हैं वहाँ पे एक भैया बैठते हैं तो उन्होंने मेरा वीडियो शूट किया था ऐसे 360 डिग्री में ट्राइपॉड घुमा के, और आप अपना फ़ोन दे दो उनको, वो आपको वीडियो शूट करके दे देंगे। तो आप जब भी ये जगह आए उन भैया से अपना वीडियो ज़रूर शूट करवाना, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और मंदिर के अंदर में भजन कीर्तन चल रहा था तो वहाँ पे कुछ देर हम सुकून से बैठे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे मम्मी शॉपिंग कर रही थी रिलेटिव्स के बच्चों के लिए कपड़े क्यूट क्यूट से। एंड फिर हम जा रहे थे वापस अपने जहाँ पे हम रुके हुए थे ना धर्मशाला में, वहाँ पे क्योंकि 1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते तो कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था घूम घूम के क्योंकि हम जहाँ भी गए थे वहाँ पैदल ही गए थे। और मैं और मम्मा हम दोनों राधे राधे करते हुए श्री कृष्ण की इन गलियों में घूम रहे थे, वापस धर्मशाला जा रहे थे जहाँ हम रुके हुए थे रेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए। सो गाइज हम मिलते हैं D2 वाले ब्लॉग में जिसमें हमने इस्कॉन और प्रेम मंदिर एक्सप्लोर किया गोभी ड्रेस पहन के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।